शीशे में खुद को देखना और खुद को देख के ये नहीं कि खुद की ब्यूटी को एग्जामिन करना, खुद से देख के सिर्फ खुद ही से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बाय द वे वो अभी तक मैं करती हूँ। एक दिन में कितनी फिल्में देख लेती? मैंने सिनेमा में एक दिन में 3 मूवीज बैक टू बैक देखी है। इफ यू रिमेम्बर, एक फिल्म आई थी लाइफ ऑफ द पायलट तलाश जी, और एक और इंडियन फिल्म, उसी वक्त तीनों एक साथ आई। डांटती मुझे यही है, मैंने कभी डांटा ही जिसने मेरा सारा दिया ना, कि हम फोन पे कभी इमरान भी मुझे नहीं कहता अमर, मैं तो लेकिन अमर मैं देखो मैं मानता हूँ और मैं नहीं मानती। अब मुझे आप इजाजत दें, अच्छे कपड़े पहने हुए दोनों ने, बहुत अच्छी लग रही है दोनों। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ। उनकी एनर्जी, उनका टैलेंट, आई एक्चुअली मे बी मोस्ट प्रॉब्ली एनवी हर। मतलब एक इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है यार, मतलब और वो भी हर चीज़ को इतने कॉन्फिडेंस और इतने मज़े से करे कि आप सोचिए कोई मुश्किल ही नहीं है उनके लिए। और तो ये है मेरी मेहमान, और अगर मैं बोलूँ दिल गुमशुदा, बेलापुर की डायन, आजकल दम मस्तम, कयामत और फिर बद्दुआ, तो आई थिंक आपको गेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो दो बातें मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती हैं, विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, इज़ एक अपने करियर के बहुत अर्ली स्टेज पे और इतनी यंग एज पे वो उन्होंने एक मूवी लिखी है, फिर उन्होंने बड़े पैशन के साथ टीम ढूंढी है, प्रोड्यूसर ढूंढा है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, एंड फाइनली उनकी मूवी इस ईद पे रिलीज़ होने वाली है। आई थिंक इट इज़ समथिंग सो इंस्पायरिंग कि आपको जो चीज़ चाहिए वो बहुत, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में भी नहीं है, फ्यूचर थोड़ा सा डगमगा ही रहा है, फिर भी वो इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं पैशन से, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। दूसरी मुझे ये बात अच्छी लगती है, जब भी मिलो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने बरसों से जानते हैं आप उनको, कोई एटीट्यूड नज़र नहीं आता, इतनी हम्बल होती हैं और गप ऐसे लगाती हैं, दैट मेक्स यू सो कंफर्टेबल। आज मेरे साथ हैं अमर खान। अस्सलाम वालेकुम अमर। वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वाकई ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर बाद, हालांकि आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर 3 2.5 3 years। हाँ, लेकिन हम बीच में जब भी किसी फिल्म के प्रीमियर पे कभी रेड कार्पेट पे मिले, उधर आप कुछ करी, हम यहाँ से हेलो कर भागते हुए, और हम लोग ऐसे मिलते हैं जैसे हम पता नहीं कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू नो। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज़ इट्स वन फैमिली, ऑनेस्टली इट्स अ होल फ्रेटर्निटी, वन यूनिट। तो मुझे तो कभी नहीं ऐसा फील हुआ कि मैं आस पास के लोगों को कुछ बहुत वो टेंटम्स और वो दिखाऊँ। आई थिंक तभी आपकी बाकियों के साथ भी केमिस्ट्री तभी अच्छी आती है व्हेन यू मेक देम कंफर्टेबल। और वो ये होता है ना, सोचना नहीं पड़ता कि क्या बात करें। बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हम जाते हैं और हम एकदम से आपके साथ स्टार्ट कर लेते हैं, चाहे माइक सामने हो या नहीं। एब्सोल्युटली। क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक। एक्साइटेड, टेंस्ड, स्केयर्ड, क्या क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? नर्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और छोटी स्क्रीन पे तो हम लोगों के छोटे टेलीविजन सेट्स पे उनके घरों के दरवाजे नॉक करके जाते हैं। बिल्कुल। और वो दरवाजे खोलते भी हैं और इतनी रेटिंग्स, व्यूअरशिप, प्यार देते हैं। लेकिन बड़ी स्क्रीन पे टिकट खरीद के उनको आना पड़ता है और सिनेमा घर आना पड़ता है अपने घर से निकल के। तो दो बहुत डिफरेंट मीडियम्स हैं। फिर लोग कुछ आसपास डराते हैं कि कोविड के वक्त के बाद सिनेमा थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ गया, स्क्रीन्स हमारे मुल्क में कम हैं। उन स्क्रीन्स में भी अगर स्पाइडरमैन जैसी फिल्म 20 करोड़ कर ले तो इसका मतलब आवाम अच्छा कंटेंट देखने हमेशा जाएगी। जी। तो इस उम्मीद के साथ बस इंतज़ार कर रही हूँ कि यार मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, नींदें, धड़कने, बेचैनियाँ, टॉसिंग टर्निंग, वो सब पिछले दिनों में और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई। अच्छा, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं, काफ़ी कुछ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ कि आप इस करियर में कैसे आई, इस फील्ड में कैसे आई, आपका बचपन कैसा गुजरा। आज मैं वो ही कुछ जर्नी को एक डिफरेंट तरीके से आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन। सुन ले सवाल सुन ले। लेकिन क्या है जो आपके स्टेजेस हैं उसकी बस एक एक वाकया सुनाना है जो आपके जहन में आता है, बचपन का, स्कूल का, कॉलेज का, फिर एक्टिंग स्टार्ट की या नानी के साथ, यू नो, और अब इस स्टेज पे। तो ये कहानी आप अपने वाकयात के थ्रू ये जर्नी हमें लेके जाएंगी। ये तो 2.5 घंटे की फिल्म पूछ ली आपने। चले 4 कर दें। अच्छा, और वो वाकयात जो मे बी आपकी ज़िंदगी में किसी वजह से एक इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि I'm raised by a single parent, my mom, and I think when I was 2, my parents separated. So my amma was the only bread earner. She was always away. She was always at work. Technically, मेरे घर में
माँ और बाप दोनों का रोल मेरी नानी ने प्ले किया. सो शी वॉज एक्चुअली प्लेइंग बोथ द पेरेंट्स. अब आई थिंक जो एक्टिंग राइटिंग परफॉर्मिंग का भी जो कीड़ा है वो बहुत बाद में आया. आज भी लोग मेरे से कहते हैं कि क्योंकि आपने फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट किया हुआ है तो शायद इसलिए आप राइटर और एक्ट्रेस बनी. क्योंकि वो ये सवाल पूछते हैं, मैं जवाब भी यही देती हूँ कि हाँ. बट समटाइम्स देयर डेज व्हेन यू आप अपने बिस्तर पे सो के रिकॉल करते हैं अपना पूरा स्निफिट्स में एक जर्नी, मुझे लगता है नहीं फिल्म स्कूल तो बहुत बाद में आया, जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं प्रॉपर अपने कॉलेज से ग्रेजुएट कर चुकी थी. और वो सारा ये बचपन से होता है आपके अंदर. अच्छा. आई वॉज अ लोनर किड. मैं इकलौती बच्ची हूँ अपनी मदर की साइड से एटलीस्ट. तो एक ही कमरे में मैं होती थी और मेरे पास बहुत वक्त होता था खुद के साथ स्पेंड करने का. और जब इंसान अकेला होता है तो उसका इमेजिनेटिव सेल भी बहुत तेज चल रहा होता है. वो कहानियाँ भी बहुत बुनता है. वो बहुत सेंसिटिव होता है. उसको कोई हल्की सी सुई भी लग जाए या कोई हल्का सा हार्श एक्सप्रेशन भी मिल जाए तो वो दिल पे ले लेता है. आई वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ किड. For the maximum time of my life, till my O-levels in fact, I was an anxiety patient. वो वाला anxiety patient के O-levels में मेरा 89% पे अगर B आ गया और 1% से अगर A रह गया तो मेरी मैं क्या करूँगी, मैं तो फौत हो जाऊँगी, वो वाला. एंड देन आई हैड फाइंड माई वेज टू काम माई सेल्फ डाउन. लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि वो जो थिंकर है और वो जो फीलर है वो बचपन से वहाँ से आया. आई सीन माई मॉम हर उनकी एक एक्सटेंसिव स्ट्रगल देखी. फिर खुद के साथ वक्त बहुत स्पेंड करने को था. मेरा कोई बहुत बड़ा कजन्स का और इंस्टेंट फैमिली का सर्कल नहीं था. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टिश, जो आपको मुझे अभी देख के बिल्कुल नहीं लगता होगा. चलिए तो फिर वो मैं बिल्कुल टॉकेटिव भी नहीं थी. इनफैक्ट मेरी यूनी ब्राउज थी और मेरे हाथों के क्या मैं पैरों के नाखून भी खा जाती थी. ये मेरे दोस्तों को पता है इस चीज़ का. और मुझे बहुत देर बाद जाके इस चीज़ को, इस हैबिट को मैंने कंट्रोल किया. आई थिंक अ परफॉर्मर एंड राइटर वॉज बॉर्न राइट देयर. और जब उस जमाने में जब आप कमरे में अकेली थी, कोई एक वाक्या, कोई एक इंसिडेंट याद आता है जहन में अगर अभी सोचें? सबसे पहला तो एक बड़ा साइकोटिक इंसिडेंट ये याद आता है कि मुझे शीशे में खुद को देखना और खुद को देख के, ये नहीं कि खुद की ब्यूटी को एग्जामिन करना, खुद से देख के सिर्फ खुद ही से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड बाय द वे वो अभी तक मैं करती हूँ. माय फेवरेट पास्ट टाइम इज टॉकिंग टू माय सेल्फ इन द मिरर. सीरियसली क्या करती हैं अभी? अगर आपको शीशा दे दूँ तो आप क्या बातें करेंगी? दे दूँ शीशा आपको मैं? बता नहीं सकती. प्राइवेट बात. ख्वाब होते हैं, दिल के दुख होती हैं या शेयर करती हैं? कुछ बड़ी रैंडम बातें भी होती हैं कि नहीं बता सकती यार. वो अब वो बहुत ज्यादा प्राइवेट है. अच्छा ठीक है. तो मैं शेयर नहीं कर सकती. लेकिन उनका मेरी जिंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस होता है. और वो एक्टर रिलेटेड बातें नहीं होती कि मैं फलानी जगह पे बैठ के ये कहूंगी. नो, दोज आर लाइक अमर टॉकिंग टू अमर. आई होप इट डज नॉट साउंड वेरी एब्नॉर्मल, बट अमर टॉकिंग टू अमर को हम वही रहने देंगे. या या या. तो पहला तो यह बोल रही है कि आप शीशे से खुद को देख के बातें करती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएं, स्कूल. बिल्कुल. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी बात पे रोना आ रहा होता था ना, I would immediately go in front of the mirror and check my expression out. कि रोते वक्त नहीं शक्ल, I think ये शायद initial germs होते हैं कि आपके चेहरे के जाविये क्या हैं, आपका expression कितना बिगड़ रहा है, या आप किस तरह, कभी कभी आपको नहीं पता होता कि मैं अभी भी, you know, when I'm passing a mirror or something and I'm talking to somebody और मेरी एकदम ध्यान जाता है तो I see myself, oh shit, ये expression मैंने अपना पहले कभी नहीं देखा. So you learn as an actor from these small little nuances and things. School time में मैंने कभी अपनी अम्मा का कोई set नहीं visit किया, कभी उनकी कोई rehearsal नहीं देखी थी. मेरे sciences थे O levels में, A levels में मेरे business economics और accounting थे. मैं एक A grader student थी. लेकिन मुझे बचपन से सिर्फ दो चीज़ों का शौक था, एक पढ़ने का और दूसरा फिल्में देखने का. तो अभी भी मेरे लाहौर वाले घर में जैसे लोगों की बुक की शेल्फ होती है, मेरी DVDs की और CDs की और कैसेट्स की लाइब्रेरी है पूरी. एक दिन में कितनी फिल्में देख लेती थी आप? मैंने सिनेमा में एक दिन में 3 मूवीज बैक टू बैक देखी है. इफ यू रिमेंबर, एक फिल्म आई थी लाइफ ऑफ द पायलट तलाश और एक और इंडियन फिल्म, उसी वक्त तीनों एक साथ आई थी. तो मैं और मेरी एक दोस्त है, मेरी ए लेवल्स में बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है सना, हमने तीनों बैक टू बैक शोज देखे. हमने दोपहर के 3 बजे के शो से स्टार्ट किया और रात के 12 बजे के शो में निकले तो आंखें ऐसे कैसे चल रहे थे. उसके बाद हमने जाके जंक फूड खाया. और बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको अपनी सिनेमा के बड़े इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ.
हम सिनेमा इतने लॉयल कस्टमर्स थे लाहौर में, एक सिनेमा है सिनेस्टार उनके, के वो किसी को खाना नहीं अंदर ले जाने देते थे. हम एक्चुअली अपने बैग में ये कुछ जो जंक फूड के हैं सब्वे और ये वो, हम एक्चुअली बैग में रोल करके छुपा के लेके जाते थे. तो उनको पता होता था ये लेके जा रहे हैं, वो हमें जाने देते थे. So we have some crazy cinema stories actually. भाई वो तीन तीन movies देख रहे हैं. Absolutely. इतना तो उनको, इतना तो बनता है. अच्छा. और कोई और crazy story बताएं. यार बस फिर जब कभी school में कभी कोई romantic encounter हुआ cinemas में कुछ जाते जाते movies देखते हुए. ये मैंने पकड़ लिया है. अब तो बताना पड़ेगा. पर कोई मजे की कहानी. आपने मेरे पे कोई जादू किया, कुछ फूका है मेरे पे. आप मेरे से बड़े पर्सनल. अच्छा आपको एक बात बताती हूँ. आज मैं अक्सर अपने आप को और लोगों को भी यही कह रही होती हूँ कि फिल्म दो चीज़ों की वजह से आप बनाते हैं. एक पैशन की वजह से, और आज क्योंकि हम प्रोफेशनली फिल्म बना रहे हैं तो दूसरा पैसे की वजह से. ओके. आई थिंक आई रोट द फिल्म इन प्यार. आई वॉज सॉर्ट ऑफ गोइंग थ्रू माई हार्ट ब्रेक ड्यूरिंग माई लास्ट सेमेस्टर, एंड दैट इज़ व्हेन आई एक्चुअली रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द मस्तम, एंड विदाउट गोइंग इन टू एनी डिटेल्स बिकॉज obviously I'm not comfortable. मैं तो नाम भी नहीं पूछना ही पूछना, but मैं वैसे I think that is the phase when you're rediscovering yourself, you're new to emotions. एक बड़ा unadulterated romance आपका होता है. आपकी कुछ insecurities ऐसी होती हैं जो आप rediscover कर रहे होते हैं. आपके कुछ goals होते हैं, ख्वाब हैं जिनकी तरफ आगे आपको बढ़ना होता है. एक उनका अलग magnetic pull होता है, और एक जो प्यार है, एक जो वो एक लव वाइज द रोमांटिक पुल दैट यू हैव, उसका एक अपना इंक्लिनेशन होता है. तो समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरफ ग्रेविटेट करें, ड्रीम्स की तरफ जाएं या रियलिटी में जो हो रहा है. तो द मस्तम वॉज एक्चुअली बॉर्न देयर. मुझे नहीं पता था, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म कभी बनेगी भी या कभी सिनेमा में लगेगी भी या नहीं. क्योंकि आई एम अ डॉटर ऑफ अ struggling actress, a supporting actress. I'm not a daughter of a star. तो मैं शायद एक, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद एक smoker नहीं हूँ, लेकिन एक passive smoker हूँ. मुझे पता है how struggle smells. आज भी जब मैं अपनी अम्मा को देखती हूँ कि वो अपने delayed checks की वजह से लड़ रही होती हैं फ़ोन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी struggle ख़त्म ही नहीं हुई. और जब वो मुझे देखती हैं तो यू नो उनका एक वो जो सीना चौड़ा हो जाता है प्राइड से कि चलो इसने तो कुछ किया. आई कैन एक्चुअली फील दैट. उनका एक रिसेंटली एक ड्रामा भी ऑन एयर हुआ, खुदा और मोहब्बत, एंड एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय फिल्म, और उसमें वो एक केयर टेकर का रोल कर रही थी फकीरनी का. तो मुझे कुछ बहुत अजीब से कॉमेंट्स आए विच वर वेरी डेरोगेटरी, दैट यू नो बेटी स्टार बन गई और माँ नौकरानी का रोल कर रही है. I was so upset that one night I actually went to her and I said, "You don't have to do these roles." तो उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तो PTV के ज़माने से हमें training मिली जाती है कि कोई भंगन से लेके, कोई जमादारनी से लेके, कोई भी role है वो आपको उतनी ईमानदारी से करना है. मतलब कोई मुझे passing shot भी कहता है तो मैं वो भी उतनी ईमानदारी से करती हूँ जो मैंने एक prominent supporting role किया होगा. And I actually realized that I shouldn't have said this to her. And I actually realized that people will say a lot of things to me also. जब उन्होंने कभी react नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था. लेकिन मुझे लगता है आप उनके लिए गई थी, आपको उनके लिए बुरा लगा. It was not कि आपकी ego हो रही थी कि या कुछ, या आपकी ego हो रही थी. नहीं, obviously नहीं यार. Obviously because उस वक्त मैं actress नहीं थी, उस वक्त मैं बेटी थी. बिल्कुल, आप नहीं चाहती वो comments पढ़े, उनको दुख हो, वो सोचे कि मुझे compare करें मेरी बेटी से. Exactly. और honestly एक मैं बात बताऊँ, आज जो उनकी बेटी भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड अगर थोड़ी सी भी सक्सेसफुल है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे कामयाबी मिल रही है, तो अल्लाह ताला के बाद ये उनका कमाल है. बिल्कुल. अगर उन्होंने इतनी स्ट्रगल नहीं की होती, मुझे नहीं लगता मुझे ये सब मिलता. हैविंग सेड दैट, मुझे अम्मा की वजह से कभी कोई रोल ऑफर नहीं हुआ. लेकिन क्योंकि शायद वो स्टार नहीं थी. आप फर्क समझ रही हैं कि वो जो एक नेपोटिज्म का भी टैग होता है वो उन लोगों पे होना चाहिए जिनके माँ बाप बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, जिनके चैनल ओनर के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके दोस्त होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये वो. माय मॉम वाज नेवर लाइक दैट. लेकिन अमर, उन्होंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया लिखाया और आपने वो शेयर भी किया है कि तो अपने ए लेवल्स के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे, ऑस्ट्रेलिया जाके बैचलर करना
तो वो कुछ लाख कम पड़े थे कुछ पैसे, हालांकि मेरी 50% स्कॉलरशिप थी वहाँ की पर्थ और मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ पैसे कम पड़े थे और शी वॉज वेरी अपसेट एंड आई डिडंट वॉन्टेड हर टू बी अपसेट. आई सॉ हर टेरी आइड और मैंने उनको बताया कि भाई आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई बाहर से पढ़ के आएगा तभी वो कामयाब होगा जिंदगी में? आपको लगता है आपकी इतने सालों की एड़ियां रगड़ना अल्लाह ताला जाया जाने देंगे? मुझे तो नहीं लगता. तो आप मुझे टाटों वाले स्कूल में भी पढ़ाएंगी ना, तो मुझे लगता है हमारे पे एक खास ब्लेसिंग है और मेरे अंदर वो एक बिलीव है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड आई विल डू दैट. उस वक्त तक ये नहीं पता था कि फिल्म मेकिंग करनी है. तो जब मेरा एक साल ज़ाया हुआ क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं थे जाने के, तो मेरे कुछ दोस्तों ने BNU ज्वाइन किया. उनको शुरू से पता था कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है. तो उन्होंने कहा यार साल नहीं ज़ाया होने दो, डू फिल्म मेकिंग हेयर या एक्टिंग हेयर. तो मैंने NC और BNU जाके एक्टिंग की डिग्री का पूछा, वो नहीं मिलती यहाँ पे एक्टिंग में डिग्री. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नापा में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलता है, डिग्री नहीं मिलती. तो मैंने फिल्म मेकिंग ज्वाइन की और वहाँ से फिर मैंने अपने स्क्रीन राइटिंग में इंटेंसिव किए, काफ़ी थिएटर प्लेस किए, काफ़ी ज़्यादा. और मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई जो बहुत प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में भी गई. और वहाँ से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. चलें ये हो गया. अब कॉलेज के BNU का कोई वाकया भी, मतलब वो स्टोरी सुनानी है ना, वो कहानी चल रही है जर्नी की, वो आपने मेरा पूरा करना है. कोई एक किस्सा यार कॉलेज के जमाने का और फिर एक्टिंग ज्वाइन करने का, देन वी विल मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन. यार सबसे इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली जो कॉलेज के जमाने में, फिल्म स्कूल के जमाने में मिली वो थी जुर्रत. जरूरत मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की. लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि पहला ड्रामा सक्सेसफुल था बेलापुर की डायन, एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस डायन, तो आपने सोचा नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा क्योंकि मैं एक फिल्म ग्रेजुएट थी. मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में थी और हमारी थिएटर की क्लासेस होती थी, तो हमें लिटरेचर का एंटिगनी से लेके, इंद्रसभा की लाल परी से लेके, मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी से लेके और एक ट्रांसजेंडर से लेके बहुत मुख्तलिफ़ रोल्स हमें करवाए. हमने बहुत सारे थिएटर पूरे लाहौर में जाके परफॉर्म किए. मुझे तो टीवी एक्चुअली कम एक्सपेरिमेंटल और कम प्रोग्रेसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता था. मेरे लिए ये स्टेप, आई एम वेरी सॉरी बट वेरी हम्बली सेइंग, मेरे लिए ये स्टेप डाउन था. हालांकि इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, वी शुड नॉट से इट स्टेप डाउन, पर But I mean in terms of experimentation, in terms of great content. और eventually मुझे भी चपेड़े खानी पड़ी एक वक्त पे जाके और ratings लानी पड़ी, लेकिन उसमें यार उसमें मेरा कसूर नहीं है. जैसे कि ऑडियंस होती है, आपको एक वक्त पे जाके आप भी सेल आउट कर जाते हैं, आप भी कमर्शियली थोड़े से पोल्यूट हो जाते हैं. बट आई थिंक यू डिड सो मेनी, आपने इतने डिफरेंट रोल्स किए हुए थे, तो चलो एक वो भी कर लिया. तो सो इवन व्हेन आई वाज डूइंग गुग्गी व्हिच वाज अ पीरियड प्ले जिसकी रेटिंग नहीं आई, जैसे आंगन की रेटिंग नहीं आई, लोगों को पीरियड प्ले नहीं देखना था. जैसे लोगों को शायद अभी भी जो पीरियड प्लेस चल रहे थे वो लोगों ने नहीं देखे, हालांकि दे वर एक्सेलेंट कंटेंट. तो मैंने स्टार्ट एक हिंदू लड़की के कैरेक्टर से किया, गुग्गी जो था, फिर मैंने बेलापुर की डायरी, फिर मैंने और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करने की कोशिश की. तो मेरे लिए जो, जब लोग कहते हैं ना कि वो कयामत बहुत टिपिकल था, मेरे लिए वो इनोवेटिव था क्योंकि मैंने उससे पहले वैसा कोई किरदार किया नहीं होता. कमिंग बैक टू द फिल्म स्कूल, हम फिल्म स्कूल के दौरान हमारे कुछ ट्रिप्स प्लान थे. तो उस दौरान मेरा एक कोलकाता में एक ट्रिप था इंडिया में. तो मुझे बड़ी बड़ी देर से ये एक शौक था कि मुझे डांस का तो शुरू से कीड़ा था. तो मैं वहाँ पे जाके कोई इंटेंसिव लूँ, तो फिर मैंने भरतनाट्यम का वहाँ पे कोर्स किया. सो आई गॉट ट्रेन्ड देयर. वहाँ पे हमारा 2 वीक की वर्कशॉप थी. बिरजू महाराज जी की डिसाइपल हैं सरस्वती जी, जिन्होंने हमें एक रुबाई पे परफॉर्म करना सिखाया. तो आज जब मैं अपनी दमस्तम में एक एस्पायरिंग डांसर, बाय द वे आई डोंट थिंक मेनी पीपल नोज दिस, आई एम प्लेइंग रोल ऑफ एन एस्पायरिंग डांसर जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन और थिएटर में पार्टिसिपेट करती है, एंड देन यू नो शी इज़ ट्राइंग टू मेक इट बिग. जो एक परफॉर्मर में एक स्टूडेंट लेवल पे आग होती है, वो आपको आलिया भट्ट के कैरेक्टर में नज़र आएगी. फिल्म के दौरान जो ट्रेनिंग मुझे चाहिए थी, जैसे फिल्म में आई एम परफॉर्मिंग एरियल एक्ट जो पाकिस्तान में कभी नहीं परफॉर्म हुआ, थोड़ा सा एक झलकी आई है. तो वो ट्रेनिंग एक तो मैंने ली भी 2 हफ्ता फिल्म स्टार्ट होने से पहले, लेकिन डांसिंग वाइज जो जो चीज़ें, जो जो डांस फॉर्म्स आप देखेंगे वो शायद मेरे फिल्म स्कूल के दौरान मैं सीख चुकी थी. अब लोग ये कहेंगे कि क्या फिर आपने खुद सोच के अपने लिए लिखी थी? मैं तो ये सोचूं आपको पता भी नहीं था आप ये सब
सीख रही थी, आपके अंदर ये आ रहा था कि आगे जाके आपके काम आए. एग्जैक्टली, मैं तो उसको ऐसे देख रही हूँ. और वो मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे भी नहीं पता. एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने तो वो शौक में किया था, लेकिन वो अल्लाह आपको तैयार कर रहा था. यू नो दे से द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, आई थिंक द होल यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग. जब मैं अब वापस जाती हूँ लाहौर, तो मेरे 35 स्टूडेंट्स के बैच में से सिर्फ दो काम कर रहे हैं इस वक्त प्रोफेशनली, एक मैं और एक मेरा दोस्त है जासिम, जो म्यूजिक वीडियोज बनाता है. तो मुझे बहुत सारे NCA, BNU, मैं इन इंस्टीट्यूट्स का ख़ास तौर पे नाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे DM आते हैं बाकायदा अपने ही आजकल के जो पढ़ रहे हैं फिल्म मेकिंग और एक्टिंग, उन सब स्टूडेंट्स से दैट हाउ वाज योर जर्नी, आपको लगता है ये हमें करना चाहिए. क्योंकि बाकी सब इवन जो पढ़ा भी रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो इंडस्ट्रीज हमेशा से सर्वाइवल के स्टेज में रही हैं, तो तुम लोग क्या ही उखाड़ लो. अच्छा, हम यहाँ स्टॉप लेते हैं. BNU पे मेरा सवाल है, फिर मेरे ख्याल में हम तब इस वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं. sure. उसमें ये चीज आ भी जाएगी. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. आपका जब मेरा सवाल भी इसे इसको हम इसको आपकी जर्नी को रैप अप कर लेते हैं. सो यू वेंट फॉर 2 week कोर्स टू कलकत्ता. टू कलकत्ता, और वहाँ पे हमने खूब ट्रेनों में सफ़र किए और इंडिया देखा, जो एक्चुअली आपको फिल्मों में बॉलीवुड नज़र आता है. मुझे ऐसा लगा कि कोई घंटियां, कोई वायलिन, कोई ट्रम्पेट बजेंगे और कोई साड़ियां उड़ेंगी, लहराएंगी ब्लो ड्रायर्स, ऐसा कुछ नहीं था. कुछ नहीं था. वेरी रियलिस्टिक, वेरी पोल्यूटेड, वेरी आम लोग. शायद उनमें से 10 करोड़ में से कोई गलती से 0.001% कोई करीना कपूर निकलती होगी. तो रियल साइड इंडिया की तो देख रही थी, साथ साथ वो भी देखा. फिर ऑफकोर्स मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान ही न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से जाके मैंने कुछ इंटेंसिव जो है वो दो दो तीन तीन छः छः महीने के होते हैं. wow. मैंने कुछ वो जो है वो एड किए. या एंड देन आई एक्चुअली मेड, सो फॉर मी माय ब्रेक थ्रू वाज एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी आज़ाद मसीह. okay. जो कि एक 10 साल के क्रिश्चियन लड़के के ऊपर थी, जिसको 14 अगस्त पे 500 रुपये का झंडा लेने का ख्वाब होता है. 500 रुपये उसके पास होते नहीं है, तो उसकी 3 दिन की जर्नी के ऊपर थी कि वो क्या करता है. okay. और वो झंडा तो नहीं मिलता, लेकिन इंडिपेंडेंस मिल जाती है उसे बड़ी छोटी एज में. दैट फिल्म मेड इट टू दिल्ली एंड कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. दैट फिल्म वन एट लाहौर चिल्ड्रंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी. एक और मेरी फिल्म थी ब्लैक वेनसडे, जो अमेरिकन फिल्म शोकेस में अगेन बेस्ट फिल्म पीस कैटेगरी अवार्ड में उसने विन किया. तो टॉपिक बहुत ऑफ बीट थे, बहुत वो थे जो शायद मैं कहना चाहती थी कहानियाँ. बट दैट फिल्म व्हेन इट वेंट टू सो मेनी फेस्टिवल्स, इवन माय यूनिवर्सिटी वाज वो एक शॉक में थे, क्योंकि इससे पहले बच्चों ने शॉर्ट फिल्म्स तो बनाई थी, लेकिन इंटरनेशनली डोमेस्टिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. एक बड़ा मज़े का वाकया हुआ इसी फिल्म में आज़ाद मसीह में. हमारा कौमी तराना बजता है. okay. एक पॉइंट आता है. ठीक है. तो मुझे जिस दिन इंडिया में ये स्क्रीन हो रही थी, उस दिन उनके फेस्टिवल डायरेक्टर की कॉल आई दैट चॉप दैट पार्ट. क्योंकि ये 1500 लोग ये स्क्रीनिंग अटेंड कर रहे होंगे, अगर कोई बैकलैश आ गया ना या कोई उठ गया तो वो एक दंगा फसाद. और ये मैं आपको बता रही हूँ 2013 की बात. okay. तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो नहीं होगा. मैं तो नहीं काटूंगी अपनी फिल्म, और मेरी फिल्म है ही एक बच्चे की, एक माइनॉरिटी से निकले हुए क्रिश्चियन बच्चे की कहानी तो है, लेकिन पाकिस्तान की कहानी. बिल्कुल, तो आप लगाएंगे तो कौमी तराने के साथ लगाएंगे, वरना आप रहने दें. तो वो जो मैं जुर्रत की बात कर रही हूँ ना, बेबाकपना, शायद कुछ लोगों को वो बहुत आउट गोइंग और ओवर कॉन्फिडेंट भी लगे, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मेरा राइट है. आई थिंक ये जुर्रत आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़. तो मैं आपको बड़ी मजे की बात बताती हूँ कि ना सिर्फ वो स्काइप कॉल पे मैंने वो पूरा वीडियो कॉल पे, उस वक्त क्योंकि स्काइप कॉल ही होती थी, जूम तो अब आई है, वो पूरा मैंने फेस्टिवल अपनी आंखों से देखा. वो कौमी तराना इंडिया में कोलकाता में चला. Some of the people stood up in respect. Wow, mashallah. And I think those were Indians who stood up in respect. तो वो जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे होते हैं ना, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट है, आम लोगों को भी मैनिपुलेट किया जाता है. अच्छे लोग वहाँ भी हैं और बहुत जिंदा दिल लोग हमारे पाकिस्तान में भी हैं. तो आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट ब्रेक थ्रू व्हेन माई फिल्म गॉट सेलेक्टेड एट फेस्टिवल्स. वेरी नाइस स्टोरीज. देखिए, अच्छी कहानी निकलवा ली है मैंने कुछ ना कुछ. ये तो बहुत ही बहुत है. अब आप मुझे पैसे दें इस चीज के. आपको जाने देती हूँ, मेरे पास और भी सवाल है. कमिंग टू BNU, कैसा था एक्सपीरियंस BNU का? ख्वाब सा लगता है, बहुत हार्ड वर्क है,
why would you recommend anyone to go to a film school? Why would we recommend a doctor and an engineer to go and learn the craft? It is a craft. जी हम survival की और revival की stage में अभी तक क्यों हैं? जब हम अपनी industry को इस profession को इज्जत ही नहीं देंगे और हम कहेंगे कोई भी उठ के आ जाएगा, यार इतनी stories हैं, फलाना तो art school drop out था, फलाने ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अपने बच्चों को honestly हमें ओ लेवल्स तक ट्रिग्नोमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फार्मूला पढ़ाए जाते हैं, मेरे तो आज तक काम नहीं आए. लेकिन वो पढ़ना, वो बेस स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना. बिल्कुल. वो फंडामेंटल एजुकेशन वाइज होना ज़रूरी है. बिल्कुल. दिमाग तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग पढ़ना ज़रूरी क्यों नहीं है? और फिर एक और चीज़ यार, कुछ लोग ना बड़े जजमेंटल अंदाज में ये भी पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या ही उखाड़ लिया इतना पढ़ के, आपको क्या ऐसा आता जो बाकियों को नहीं आता? जब आप कोई चीज़, जब एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है तो क्या आप ये कहते हैं कि उसका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? क्या उसकी सर्जरी कभी गलत नहीं होती? क्या इंजीनियर कभी कोई काम करता है तो उसका कोई टास्क गलत नहीं जाता? तो ये सक्सेस और फेलियर के लिए नहीं आप करते, ये आप अपनी ट्रेनिंग के लिए करते हैं, अपने एक्सपोजर के लिए करते हैं. आज अगर मैं फिल्म बना पा रही हूँ अपनी इस एज में, उस दिन वासु चौधरी के हम शो में गए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल में यू आर दी ओनली एक्ट्रेस हु इज आल्सो अ राइटर. आई डिडंट नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स बट आई थिंक इफ आई एम एबल टू डू दिस इट्स बिकॉज आई वाज सीरियस अबाउट इट, आई वाज पैशनेट अबाउट इट. तो अगर कोई फिल्म स्टूडेंट आज पैशनेट है, उसकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होगी, उसको बहुत साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी. लेकिन प्लीज़ अगर इश्क है तो स्ट्रगल भी करें. कम अज़ कम कभी ना इश्क करने से बेहतर है कि नाकाम इश्क कर लें. सही बात. कल को बता सकेंगे कि मैंने चखा था, यू नो, एटलीस्ट यू नो हाउ इट टेस्ट. सो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फिल्म स्कूल्स, और फिल्म स्कूल्स बनने चाहिए. ये आई नो बहुत जरूरी है. ये जो आप लोग भी क्रिटिक कर रहे होते हैं ड्रामास पे, परफॉर्मेंसेस पे, कॉन्टेंट पे, चैनल हेड से लेके प्रोड्यूसर से लेके मेकर से लेके एक्टर तक, वो आपका राइट है वो क्रिटिक करना. लेकिन आप देखें ना कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ देयर इज़ अ राइट एजुकेशन, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी. सही कह रही हैं. इनफैक्ट आई थिंक हम लोगों को भी कोई कोई शॉर्ट को ट्राई करने से पहले आउटकम नहीं सोचें. आउटकम अल्लाह ताला के हाथ में है. तो डीएम जो आते हैं आपको, लोग यही पूछते हैं इज इट वर्थ द जर्नी, तो अभी आपने जवाब दे दिया होगा. एब्सोल्युटली डेफिनेटली. एंड आई थिंक आई एम अ फ्लैग बेयर, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं. लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा था? मजा, जैसे कॉलेज होता है तो मजा होता है, ड्रीम लगता है आपको, बहुत मजा किया, बहुत हार्ड वर्क था, टाइम ही नहीं मिलता था, हालत खराब, क्या कुछ हालत खराब तो होती है. सी आई डिडंट, यू हैव टू स्टार्ट ऑफ एज अ स्ट्रगलर. जब आप अपनी शॉर्ट फिल्म्स भी इनफैक्ट बनाते हैं, अपनी पॉकेट मनी का बजट लग रहा होता है तो आप दोस्तों को कहते हैं यार मैं तुम्हें लंच के पैसे दे दूंगी, तुम सबको डिनर तुम लोग खुद ही कर लेना. या आप लोग किसी एक दोस्त को कहते हैं यार तुम अपना कैमरा ले आना, किसी एक को कहते हैं तुम अपनी लाइट ले आना, लिटरली रेंट आउट कर रहे होते हैं, फुल गुर्बत चल रही होती है. अपनी पोलीज और अपने ट्राइपॉड्स पकड़ के आप पहाड़ों तक जो है वो वॉक करके जा रहे होते हैं. आई थिंक इट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ डिफरेंट काइंड, बट उस स्ट्रगल में एक बहुत सेटिस्फैक्शन भी आई थिंक होती है. आई एम श्योर बी एन यू के एक्सपीरियंस ने एक तो आपको जरूरत दी. आर दे एनी कोई एक दो और चीज़ें हैं जो आप बता सकती हैं एज एज अ पर्सन आपको ऐड की हूँ उस सारे कुछ साल जो आपने गुजारे वहाँ पे? यार जो एक फिल्म मेकिंग का, फिल्मों को लेके जो एक इश्क था ना, जो एक बहुत एक व्यूवर के लेवल पे था, वो जो एक्सपोजर जो आपको मिलता है, जो आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, जो आप मर्टिन स्कॉर्सेज़ी से लेके और बर्नार्डो बर्टोलुची से लेके और हर एक एक ऑटर का, हर एक राइटर का, यू रीड स्क्रीन प्लेज. हम क्यों कहते हैं फॉर इंस्टेंस कि यार फिल्में तो यार बहुत ड्रामा ड्रामा लग रही हैं, क्योंकि जब आप हमारे मुल्क में, आई हैव टू टेल यू समथिंग, नोबडी राइट्स इट इन अ फिल्म स्क्रीन प्ले फॉर्मेट, इट्स इन अ ड्रामा फॉर्मेट. लिखने में भी, लिखने में भी. Even the biggest films that you've seen, I'm talking about the blockbuster films also, they're written in a drama format. Because we don't have screenwriters, we have dialogue writers. इसलिए आप लोगों को जब आप drama भी review कर रहे होते हैं, कहानी तो बहुत average होती है, कहानी तो वही होती है. आपको drama की थोड़ी सी situations और उसके बाद बहुत ज़्यादा dialogues याद रह जाते हैं. क्योंकि dialogue writers हैं, सही बात कह रही हैं. Exactly. Interesting. तो film making पढ़ने के बाद सबसे बड़ा exposure तो ये था कि आपको
फिल्म के एस्थेटिक्स क्या होते हैं वो पता चलते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने जब पहले साल में थी तो मैंने गॉडफादर का जब स्क्रीन प्ले पढ़ा और उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई थी दैट यू नो विद अ लॉट ऑफ प्रेशर ही टेक्स अ स्टेप अप विद अ लॉट ऑफ एप्रीहेंसिवनेस ही टेक्स अ स्टेप अप. तो ये एक जो एक्टर के लिए जो स्क्रीन प्ले में एक वो छोटे से पैरेंथेसिस में क्यों आता है हाफ योर जॉब इज डन. फिर एक स्क्रीन प्ले था तमाशा एक फिल्म थी जी जी. उसका एक स्क्रीन प्ले था कि वो दीपिका का कैरेक्टर कहता है वो जो कैरेक्टर का नाम था वो वेद किरदार को कहती है कि कोई कॉम्प्लेक्स तो ट्रिगर नहीं कर दिया ये जुमला है. अब उसका स्क्रीन प्ले क्या लिखा हुआ था इन्वर्टेड कॉमास में ट्रिगर फर्स्ट स्टंप ऑन वेद्स फेस. सो इट्स दैट माइन्यूट डिटेलिंग एंड एक्शन. इट्स नॉट वो कमरे में आया वो बैठ गया उसने पेस्ट्री उठाई उसने कहा फ्रेश हो जाओ चाय पी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी प्रिसाइज. इट्स ऑल्सो वेरी प्रिसाइज टू द एक्सटेंट के हाउ इज योर कैमरा. अगर ये सीन ओपन हो रहा है तो ये सीन मे बी वी डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ मास्टर शॉट. शायद आप अपनी रिंग सीधी कर रही हैं एंड फ्रॉम अ क्लोज द कैमरा पुल्स बैक एंड वी गो बैक एंड वी शो अ फुल वो टिल दैट देर इज अ प्रिसिजन ऑफ योर थॉट हाउ यू आर इनविजनिंग. ये सब चीज़ें एक आम आदमी को नहीं आ सकती. सो फिल्म मेकिंग गेव मी दैट. अब इतनी सारी बातें कर रही हैं या अल्लाह धमस्तम को हिट करा देना. लोगों को सिर्फ या अल्लाह ये बातें ना लगे मेरी कोई कमी पेशियां हो मेरी कोई खामियां हो वो आप ही छुपा सकते हैं क्योंकि कोशिश ही कर सकते हैं ना यार. पढ़ते तो और ऑनेस्टली पढ़ते भी सब हैं लेकिन उससे भी फॉर्मूला नहीं आता. उससे भी जो आपके अंदर के इमोशंस हैं. मैं आपको एक और बात बताऊंगी राबिया. एज अ राइटर और एज एन एक्ट्रेस मेरे दो मेन प्रोफेशन हैं लेकिन मुझे लगता है आई एम मोर नेकेड एंड एक्सपोज्ड एज अ राइटर. That is why I am more scared as a writer. Ask me why. दो चीज़ें हैं. एक्टिंग आप देख रहे हैं मेरी तो वो किसी का नैरेटिव किसी की कहानी मैं इंटरनलाइज करूँगी किसी एक विजन में जाऊँगी और उसे डिलीवर कर दूँगी. एज अ राइटर फ्रॉम स्क्रैच ये मेरी अपनी फीलिंग एक्सपीरियंसिस थाट्स हैं. तो कोई आपके साथ पार्डन माई लैंग्वेज आपको वो शायद बुरा लगे ये थोड़ा एग्जाम्पल लेकिन अगर कोई बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठा है क्या वो ज़्यादा नंगा है या किसी का माइंड आप और दिल में क्या और दिमाग में क्या चल रहा है आप वो पढ़ सकते हैं उसका क्या वो ज़्यादा नंगा है. मुझे लगता है ये वाला जिसके इनर थॉट्स आप पढ़ सकते हैं वो चीज़ तो बहुत मुश्किल है करना. ये तो फिर भी कवर हो जाती है या एब्सोल्यूट ये जानना या इसको ये अगर पता चल जाए तो फिर तो एज अ राइटर आई एम फीलिंग वेरी एक्सपोज्ड. काफी चीजें तो आज आपने एक्सपोज करा दी लेकिन भी लगता है कि लेकिन और एक और चीज जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं ना वो तो है नाच गाना रोमांस केमिस्ट्री और बहुत कुछ है जो ट्रेलर में नहीं है. और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं वो इट्स नॉट जस्ट फॉलिंग इन लव इट्स ऑल्सो राइजिंग बैक अगेन इन लव. फॉलिंग इन लव तो हम हमेशा देखते हैं लेकिन जब बिल्कुल फॉल कर जाते हैं और शैटर कर जाते हैं एंड देन वी राइज अगेन फ्रॉम द एशेस वो बड़ी इंटरनलाइज जर्नी है एंड आई थिंक वो जब आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा. आई थिंक बहुत से लोग रिलेट भी कर सकेंगे. एब्सोल्युटली. और हमारे पास है एक सरप्राइज. लुक हूज हियर. अस्सलाम वालेकुम. आ जाए हम छोटा सा पार्ट आपका भी करते हैं. आ जाए बताएं बचपन में तो आप बहुत खामोश क्वाइट सी होती थी राइट. अब ये इतनी पटाखा इतनी एनर्जेटिक इतनी एनिमेटेड वर्जन जो निकला है वो ये ट्रांजिशन कब हुई कैसे हुई. आई थिंक एक एक्टर का एनिमेटेड वर्जन ना चाहते हुए भी बन जाता है क्योंकि वो आप में इतने रंग और जंग लगते हैं कि ना चाहते हुए मुझे नहीं लगता कोई भी एक एक्टर है जो पोल्यूटेड तो नहीं ये, हो तो एक्टिंग की फील्ड में आके हुआ उससे पहले नहीं कॉलेज में नहीं था बीएनयू में यार मुझे पहले? लगता है कि मैं एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट इंसान हूँ. मेरे लोज भी बहुत ज्यादा लो होते हैं और मेरे हाई भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं. इतने भी हाई नहीं होते लेकिन आई मीन आई कैन बी very passionate and very at the top of my voice
and I can be very bored and very low. Okay. So I have my temperaments and mood swings actually. But मैं जानना चाहती थी कोई चीज़ थी जिसने trigger किया ये transition आपके अंदर, because as you said आप बहुत introvert थी, बहुत खामोश रहती थी, लेकिन अब हमें वो अमर नहीं नज़र आती, हमें एक different अमर नज़र आती है. कुछ हुआ ज़िंदगी में जहाँ ये नहीं as such तो इतना कुछ अभी तक वो जो आप पूछना चाह रही हैं वैसा अभी कुछ नहीं हुआ. आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न. जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा भी वक्त था अपने ओ लेवल्स तक आई वॉज एन एनजाइटी पेशेंट. मेरे हर पेपर से पहले मैं लिटरली मैं अस्पताल में फ्लैजल की ड्रिपें लगवा रही होती थी. तो फिर कैसे उससे ओवरकम? और मुझे एक दिन बल्कि मेरे जो हमारे एक जो फैमिली डॉक्टर ने मेरी अम्मा को बुलाया और उन्होंने कहा कि सब सही है ना, तो हमने कहा हाँ हाँ सब सही है, बस ये मैदे की पेशेंट है. उन्होंने कहा ठीक है बाहर जाएँ. तो उन्होंने फिर उनको बाहर भेजा. उन्होंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. As in okay. doctors ask you that you know is there everything all right? And I said it's absolutely all right. I just feel a lot of responsibility which is not even given by anybody. But I'm like that. मैं over sensitive हूँ. आप जब मेरी दम मस्तम की टीम के साथ इंटरव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे कि मैं बहुत लड़ाकू हूँ. मैं बाकायदा लड़ती हूँ. अच्छा. मैं बाकायदा मेरी रोने वाली शक्ल हो जाती है. But और मेरे से वो नहीं कंट्रोल किया जाता कभी कभी. बट उस चीज के लिए लड़ती है जिस चीज को आप बिलीव करते हैं. तो मैंने अभी भी वो फुली ओवरकम नहीं किया. नहीं लेकिन ये मेरी पर्सनैलिटी है यार कि मेरे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हैं. मैं बहुत खुश भी होती हूँ. अक्सर मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड भी हो जाती हूँ. हालांकि मैं आपको ऐसी इंसान नहीं लगूंगी. आई हैव नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. आई डोंट पार्टी. एज इन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पार्टिंग. आई हैव अ फ्यू एक दो लोग जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनके घर जाती हूँ, दबा के खाना रोटियां खाती हूँ. लेकिन वैसे मेरा कोई सोशल सर्कल पिछले 5 सालों में कराची में नहीं बना. वो इसलिए नहीं बना क्योंकि आई डोंट फील कम्फर्टेबल. आई फील आई स्टिल डोंट बिलोंग हेयर. अब वो कुछ दिन होते हैं वो वैसे होते हैं और कुछ दिन होते हैं कि जब टिप टिप बरसा पानी आता है लोगों की शादियों में, हम कहते हैं ऐसी की तैसी हम अपने दोस्त की शादी में नाचेंगे. तो वो दोनों मैं हूँ. और अगर मैं ये कह दूँ कि वो मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ तो ये ज्यादती होगी. हर दिन में आप मुख्तलिफ मूड से गुजरते हैं, इसलिए हर इंसान का एक बिहेवियर नहीं हो सकता. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ विच मेक्स यू ट्रैवल दैट वे. इंटरेस्टिंग. ये तो काफी कुछ निकल आया अंदर से ना. अच्छा ये बताएं, एक जगह आपने कहा कि जो कुछ कहूंगी एडिट कर दे वो कर दे. देखेंगे सोचेंगे. Okay. अच्छा एक जगह आपने कहा कि द ओनली टाइम जब आपको एक्टिंग बहुत पसंद है, यू लव एब्सोल्यूटली डूइंग अदर यू नो पोर्ट्रेइंग अदर पर्सन डिफरेंट कैरेक्टर्स. और द ओनली टाइम जब आप खुद होती हैं वो होता है जब आप घर के अंदर एंटर होती हैं. मुझे स्टेटमेंट आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. थोड़ा मैं सोच रही थी क्या अपने आप से इतना ज़्यादा खुश नहीं है आप, अपने आप में कुछ ढूंढ रही हैं कि हर वक्त आपको एक डिफरेंट रोल करना है. एक इंसान कैसे हो सकता है कि हर वक्त वो कोई और इंसान बन के इतना खुश रहे? मुझे ये आपकी स्टेटमेंट थी. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कि मुझे खुशी इससे मिलती है जब मैं कोई एक इंसान एक्टिंग कर रही होती हूँ. मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी और मुझे लगा यहाँ पर शायद कुछ हम आई थिंक फॉर मी एक्टिंग एंड राइटिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक. ये मेरा इमोशन मेरा आउटलेट है एक्चुअली. इमोशनल आउटलेट है मेरा एक्चुअली. बहुत सारी चीज़ें मैं आम लाइफ में अपने लोगों को आसपास नहीं कह पाती लेकिन वो मेरी परफॉर्मेंसेस में और मेरी राइटिंग में वो निकल आती हैं. तो आई थिंक यू राइट. जिस दिन मैं बिल्कुल खुश और बिल्कुल मुतमइन और बिल्कुल एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ हो जाऊँगी वहीं पर मेरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी. इनफैक्ट स्पेशली एज अ राइटर I have to isolate my. मैंने अपनी दूसरी फिल्म कंप्लीट की है पिछले साल के एंड में. okay. और वो तब की जब मुझे कोविड हुआ. और मैं 14 दिन बंद थी और फिर मैं कोई 3 से 4 महीने के ब्रेक पे थी. सो आई वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ. वो टॉपिक भी कुछ ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा यू नो ऑन योर फेस नहीं था. इट वॉज आई एम राइटिंग अ क्राइम सैटायर विच इज़ माई नेक्स्ट फिल्म. तो मुझे कुछ उसमें रिसर्च करना था. मुझे कुछ जगहों पर जाके एक्चुअली विजिट करना था. मुझे कुछ लोगों से मिलना था. तो आई थिंक इंडस्ट्री में होके इंडस्ट्री को इंजॉय करना बट एट द सेम टाइम डिसकनेक्ट करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो आई डू वॉन्ट टू रिमेन डिसकनेक्टेड एज मच एज आई वॉन्ट टू बी इन द प्रोसेस. आपकी अम्मी सिंगल मदर हैं जैसे आपने बताया अभी. आपको लगता है जो सिंगल मदर के मदर्स के बच्चे होते हैं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है टू प्रूव देमसेल्फ एंड टू बी सक्सेसफुल? और ये जो आप कहां हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी मेरी अम्मा ने वो इतनी
दिलदार किस्म की, इतनी मज़ेदार किस्म की इंसान है, उन्होंने कभी भी मेरे पे प्रेशर नहीं आने दिया. एक्चुअली मुझे लगता है मतलब बचपन में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. बचपन में ना वो बड़ी अर्थ टाइप की फिल्में देखती थी और बड़े वो मैडम नूरजहां की पुरानी गज़लें सुनती थी और बड़े रोने धोने वाले गाने सुनती थी. तब शायद मुझे नहीं पता था कि वो क्यों सुनती थी. आज शायद मुझे बेहतर मैं समझ सकती हूँ दैट यू नो व्हाट शी वुड हैव बीन गोइंग थ्रू. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे कभी भी वो चीज़ ऑफ रेजिंग एज अ सिंगल पेरेंट डॉटर कभी भी आने दी. इनफैक्ट वो इतनी चिल्ड आउट थी कि जिस दिन उनकी काम से छुट्टी होती थी मुझे स्कूल नहीं जाने देती थी. कहती थी मैं तुम्हें मिस करूंगी, छोड़ो तुम फेल भी हो जाओ मुझे, मतलब वो ऐसी माँ थी, वो कहती थी तुम फेल भी हो जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता. जबकि माई नानी वो उसका कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन थी. वो मुझे कहती थी बेटा पोजिशन होंगी है फर्स्ट, जे आई तेरी दूजी ते तीजी, वो पोजिशन होंगी नहीं. तो इनफैक्ट नानो वॉज यू नो प्रेशराइजिंग और नानो का वो एक बड़ा रोल. आई थिंक आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, आज अगर मुझे इतनी दुआएं लग रही हैं, आज अगर मुझे थोड़े से भी लोग पसंद कर रहे हैं, इट्स ऑल हर प्रेयर्स. एंड आई एक्चुअली लॉस्ट हर ड्यूरिंग दम मस्तम. तो दम मस्तम मुझे क्या लगा दम मस्तम के दौरान कि एकदम मुझे बहुत खुशी मिल गई जब दम मस्तम के फाइनेंसेस हो गए सॉर्ट आउट, फिल्म फ्लोर पे जा रही थी, हम सब बड़े खुश थे. एहतशाम भाई वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर्स, ही वाज अ डायरेक्टर. इमरान अशरफ वाज द मोस्ट वर्सेटाइल वी हैव राइट नाउ इज द एक्टर. सब चीज़ें गोल्डन किटी मेरी गोद में आ गई. जब हम शूट पे गए मैं बहुत एक्साइटेड थी. एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आई दैट माई नानी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. तो वो अपने लास्ट स्टेज में थी, वो अपने डेथ बेड पे थी. मैं सुबह 7 बजे उठती थी, मैं वो हॉस्पिटल जाती थी, आधा घंटा उनको देती थी. वो एक साइड से पैरालाइज हो चुकी थी. जिस जगह हम शूट कर रहे थे दाता दरबार की बैक साइड पे, मैं रोज़ गाड़ी रुकवाती थी वहाँ पे, उनका सदका देती थी और कहती थी अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दें कि ये नहीं मुझे खोना. अगर आपको एक अल्लाह, वो जो मैं कह रही थी ना, मेरा शीशे में अपने आप को देख के एक मुकालमा चलता है, वो एक्चुअली अल्लाह ताला से भी चल रहा होता है कि अल्लाह ताला अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे फिल्म देखे मेरी, मुझे जिससे सबसे ज़्यादा इश्क है, अगर आप वो ले लेंगे तो फिल्म भी ले लें, मुझे नहीं फिल्म चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए. वो पूरी जर्नी के बाद मैं फिल्म के सेट पे आती थी. हमारा मेकअप आर्टिस्ट है अजीम, तो उसने बर्फ़ पहले से तैयार की होती थी. तो मैं दबा के बाथरूम में जाके मैं जितना रो सकती थी मैं रोती थी. फिर वो मुझे बर्फ़ देता था कि वो कोई स्वेलिंग आंखों के नीचे नहीं आए. वो पूरे मुंह पे मैं बर्फ़ लगाती थी एंड देन वी वर रेडी फॉर द शॉट. सो स्क्रीन पे जो आ रहा होता है और जो पर्सनल क्राइसिस चल रहा होता है, वो भी डुअल पर्सनैलिटीज़ हैं. एक्टर्स आर मैड, यू डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. जिस दिन माई नानी पास्ड अवे, उसके 6 दिन के बाद मैं हवा में लटक के नाच रही थी. मैं एरियल एक्ट कर रही थी और मैं एक्चुअली उस लॉस को मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी. आई डिडंट क्राइड व्हेन शी पास्ड अवे बिकॉज आई थॉट अगर वो मैं फुली कंज्यूम कर लूँगी तो पता नहीं क्या होगा, आई विल डाई, लिटरली आई विल डाई. तो उनका स्वयं कंप्लीट करवा के मैं लाहौर से दौड़ी और मैं कराची आई और मैंने आते ही अपने आप को फिल्म में बिजी करना स्टार्ट कर दिया और मैं वो डांस का एरियल एक्ट कर रही हूँ. मुझे कुछ अच्छा फिल्म का इंटरेस्टिंगली एक ऐसा हिस्सा भी है जिसमें मुझे नहीं पता मैंने क्या किया हुआ है. मुझे नहीं पता कि वो एक्टिंग कैसे हो गई, क्योंकि अब जब हम प्रीव्यू फिल्म का देख रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत इमोशनल सीन्स हैं, वो हो गए हुए हैं, मुझे उसकी कोई मेमोरी मेरे दिमाग में नहीं है. कुछ इमरान के और मेरे इस तरह के मोमेंट्स हैं, वो यहाँ पर लगेंगे. वो छोड़ दें कि वो बड़ी स्क्रीन के लिए हैं, वो छोटी स्क्रीन के लिए हैं, वो किसी शाहराह पे चलने हैं, वो आपके बाथरूम के मोबाइल फ़ोन में चलने हैं, वो जहाँ भी चलने हैं, वो आपको बहुत कनेक्ट करेंगे. क्योंकि उन सीन्स में मैं और इमरान हम ज़रूरत से ज़्यादा हैं, हमारे इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा हैं. और इतना पक्का और सच्चा केमिस्ट्री और रोमांस जो है, आई डोंट वॉन्ट टू से बिग वर्ड्स बट आई एम ऑल्सो अ व्यूअर. मुझे नहीं पता मेरी कहानी अच्छी या नहीं अच्छी, मुझे नहीं पता, वो आप डिसाइड करेंगे. मुझे नहीं पता मेरी और इमरान की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं अच्छी, आई डोंट नो दैट. बट व्हाट वी हैव फेल्ट इन दैट प्रोसेस, इट्स फ्रॉम समवेयर एल्स. जब आप इमरान का इंटरव्यू करेंगे तो आई थिंक वो भी उन चीज़ों पर शेयर करेंगे. सो आई थिंक लाइफ इज़ लाइक दैट. लाइफ इज़ लाइक अच्छा. और उससे भी मेरे साथ भयानक चीज़, 2020 वॉज द
लोगों के लिए तो कोरोना की वजह से द मोस्ट लोएस्ट फेज था. मेरे लिए कोरोना तो मुझे याद भी नहीं कि कोरोना भी आया था, क्योंकि मेरे अपने इतने पर्सनल डायलेमास और क्राइसिस थे. मैं जिस चीज़ से भाग रही थी, हम फिल्म के आखिरी सीन को रिकॉर्ड करा रहे थे और पता चला कि परसों से शूट नहीं कर सकते, कोरोना आ गया. तो जो भाग रही थी, अल्लाह ताला ने वापस बिठा दिया कि स्टॉप, सिट, क्राई, थिंक, इट्स ओके, यू हैव टू वेंट इट आउट. अदरवाइज ये पूरी जिंदगी अगर साथ चला तो वो, एंड यू नो देन व्हाट आई एम सेइंग, एंजाइटी एंड ऑल दैट, इट एक्चुअली एग्रीवेटेड टू, यू नो, टू अ एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन मे बी, एंड आई हैड अ लिटिल मेडिकेशन ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम. आपने कंसल्ट किया किसी को? यस. सो आई थिंक दैट होल पार्ट, इट्स विद यू एंड यू डोंट वॉन्ट टू शेयर इट. Of course, if you're not comfortable speaking about it, till the time it comes and you can openly cope up with it, a lot of things are happening. Yeah. So, कभी कभी जब आप बहुत खुश भी लग रहे होते हैं, I know, आँखों में नमी होती है, इतनी खुश नहीं होते आप. जैसे मैं आजकल फिल्म को लेके, मुझे लगता है मैं जितनी खुश हूँ, मैं बहुत खौफजदा हूँ अंदर से. कि ये इतने सालों का निचोड़ है और ये बहुत अच्छा जाना चाहिए. ऊपर से इतने इश्यूज कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी उनमें हंसो, उनमें ये करो, उनमें वो करो. स्क्रीन के पीछे हमारी एक और जर्नी चल रही है. अच्छा, एक इमरान की और मेरी भी, आई थिंक वी माइट कम ऑन दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, बट आई एम आंसरिंग इट बिफोर यू आस्क्ड. इट्स अ वेरी ऑड रिलेशनशिप. आई थिंक एज मच एज आई लव हिम, there are days I absolutely hate him. Achha, kyun? Sorry, mujhe hansi aa rahi hai. No, I think I should be honest, because wo utna hi pagal hai jitni main hu. Wo utna hi honest hai, balki honesty mein mujhe bhi thode kam marks the. Wo kabhi kabhi bahut drawn honest hai. In what sense? In all senses. Matlab kya aapko, he is very transparent. Aapko bata denge acha nahi kiya ya ye reality check de denge kya? Nahi, I think usko aur mera jo relationship hai na, wo performances, सिर्फ performances तक महदूद नहीं है. वी नो ईच अदर इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो. आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरे शुरू का एक प्रोजेक्ट भी इमरान के साथ था. और तो आई नो हिम फ्रॉम द टाइम वेन ही वॉज नॉट इन दैट भोला फेम. ही नोज मी फ्रॉम दैट टाइम जब मैंने इंडस्ट्री में स्टार्ट आउट भी नहीं किया था. तो हमारा वो बॉन्ड है. आप हमें कभी फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लें, तो ये जो हीरो हीरोइंस आके बैठते हैं कि ओह यू नो लेट्स रोमांस, लेट्स मेक अ फेक कपल, हमारा वो नहीं है. हम गालियां भी बक देते हैं एक दूसरे को, दोस्ती, द ड्यू रिस्पेक्ट. और हम नोचने पे आ जाते हैं एक दूसरे को कि नो यू आर रॉन्ग इमरान. और मैं रोने वाली हो जाती हूँ इमरान के सामने. और फिर इमरान कंप्लीटली, इमरान का एक मोड जो किसी ने नहीं देखा, जो मैंने देखा है, कि हम शूट से निकल रहे हैं और हम गाड़ियों में बैठे हैं और इमरान बिल्कुल फुस्सा है. और इमरान को कुछ लंबे लंबे सांस आ रहे हैं और वो वेंट आउट कर रहा है जो सारा उसने किया है. तो इमरान अशरफ वो भी है. अब ऑब्वियसली ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना रिवील करें और कितना कंसील करें. लोगों को हमारा एनिमेटेड वर्जन ज़्यादा शायद अच्छा लगता हो, इसलिए हम वही दिखाते हैं. नहीं, मुझे लगता है लोगों को रियलिटी भी अच्छी लगती है, बिकॉज़ इट मेक्स यू मोर ह्यूमन. एंड आई थिंक लोगों को अच्छा लगता है जानना जो जिससे वो कनेक्ट भी कर सके, बिकॉज़ रियल लाइफ में लोग ऐसे ही होते हैं. आल्सो वन मोर थिंग, आई थिंक इमरान, वी शेयर द सेम स्टार साइन. वाओ, येट वी आर पोल्स अपार्ट. इमरान की एक जो चीज बहुत अच्छी है, जो आई एम श्योर उसकी बाकी को एक्ट्रेसेस ने भी बताया होगा, उसका जो टर्न ऑन है ना कैमरे के सामने, मतलब मस्तियां कर रहा है स्पॉट बॉयज के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, तू वह कर रहा है, पढ़ता पांचा, और एकदम ही कम्स टू दैट. He's that quick. It's a blessing. Very few actors has that. अभी भी हम उसके interviews देखते हैं तो वो जिस तरह भोले में शम्मो में switch करता है, he's amazing. जबकि my process is completely different. If I'm performing an emotional scene, I don't even want my makeup artist and my stylist to come and say के बाल यूं है ना, बाल इनको यूं कर ले. I want to be by myself. मेरा switch on थोड़ा सा मुझे time लगता है उसे आने में. But I think poles apart people who have a lot of commonalities. We both are strugglers. He's no longer an underdog. I'm still an underdog. लेकिन वो जो आग है ना, वो आपको मजा आएगा. वो आपको स्क्रीन पे देख के मजा आएगा. आपकी नानी की बात कर रहे थे, उनकी कहानियां बहुत सुनाती थी वो आपको. या कोई एक कहानी है जो याद है आपको, जो आप शेयर कर सकते, जिसने आपको इम्पैक्ट किया हो जब वो सुनाती थी? तो 2019 में
जो रमज़ान था 3 साल पहले, 3 साल होंगे ना, 22 में है, 22-21 या 3 साल पहले, तो 2019 के रमज़ान में वी हैड सिक्योर्ड एवरी थिंग और हम 3 महीने बाद फ्लोर पे जा रहे थे फिल्म को लेके. कुछ ऐसे क्राइसिस हुए कि पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड और वो सब, तो फिल्म होल्ड पे आ गई. दम मस्तमी उस वक्त उसका नाम कुछ और था, इश्क टॉकीज़ पहला नाम था दम मस्तम का. तो इश्क टॉकीज़ होल्ड पे आ गई और रोज़ा था और मैं वापस घर आई तो मैं बहुत रोई. मैं बहुत धाड़े मार मार के रोई कि इतने देर बाद ये हो रहा है और यह फिर रुक गया है अल्लाह ताला. और मेरा अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप भी ना वो बहुत वो कि मुझे ये चाहिए, मुझे दे दे मुझे. और मुझे लगता है मुझे, मैं बहुत रोती गिड़गिड़ाती हूँ. और इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमाज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस जगह पे खड़े हो वो आउटबर्स्ट सच्चा आ रहा हो, झुक जाओ सजदे में. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको वो नहीं दे. तो खैर मैं बहुत रो रही थी और एक अम्मा का एक अपना स्टाइल था. अम्मा ने कहा कुछ नहीं होता, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, हमें देखो हमने कितनी स्ट्रगल की है. उनका एक अपना स्टाइल था. और मेरी नानी मुझे चुप करके देख रही हैं देख रही हैं देख रही हैं देख रही हैं और उन्होंने मुझे एकदम कहा, मैं 100 शुक्राने दे नफल मन लेते ने, जा तेरा काम हो जाएगा. और उसके 1 घंटे बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अदनान सिद्दीकी साहब एंड ही टोल्ड मी दैट यू नो थिंग्स आर सॉर्टेड. वाओ माशाल्लाह. तो ये जो हो रहा है एक्चुअली ये उनकी दुआ है. मुझे ऐसा लगता है ये उनकी वजह से हो रहा है. एक और बड़ा मजे का आपको वाकया बताती हूँ. रमजान क्योंकि रिसेंटली गुजरा है और हम अक्सर उनकी बातें रिकॉल कर रहे होते हैं. वो हर महीने ना खीर बनाती थी, एक बहुत बड़े पतीले में खीर बनाती थी और एक न्याज दिलाती थी, तबरुक बांटती थी और अपने हाथ से वो कोई बहुत ज़्यादा मन की खीर बनती थी जो वो अंदरून लाहौर से थी मेरी नानी, तो वो पूरे मोहल्ले में कोई 300-400 लोगों में तकसीम होती थी रमज़ान में ख़ास तौर पे. तो एक दिन मैंने, उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने फिर भी वो खीर बनाई और फिर उनकी ज़िद होती थी कि इसमें वो जो आप वो बनाते हैं ना खुरचा जो फेरते हैं कि वो पके और वो, तो हम उनको डांट रहे थे कि नानू अब आप ज़यीफ़ हो गई हैं और आप अभी भी ये गजरेला बना रही हैं गाजरों का और खीर का बनना, तो आपको कितना काको सवाब चाहिए, आप जन्नती हैं पहले, आपको और कितनी जो है वो नेकियां कमानी है. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी. उन्होंने मुझे कहा कि पंजाबी में कहा जो मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ. उन्होंने कहा कि ये जब मैं लोगों को प्यालियों में बांटती हूँ ना खीर, ये गजरेला, और जो लोग उंगलियों से चाटते हैं और उसका स्वाद लेते हैं और मेरी तारीफें करते हैं, तो नेकी तो जब मैं बना रही होती हूँ सवाब तो मुझे तभी मिल जाता है जब उनकी ज़बान पे वो चस्का वो चिक का आता है ना, तो उससे मुझे सुकून मिलता है. कुछ चीज़ें सिर्फ नेकी कमाने के लिए नहीं आप करते, आप सुकून के लिए करते हैं. तो यह छोटी छोटी चीज़ा होंगी हैं ज़िंदगी जड़ियाँ तनु बड़ा सुकून देनिया ने. सही बात है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात उनकी मेरे साथ रह गई शायद, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में वो छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली पिन पॉइंट करती हूँ कि जिनसे मुझे सुकून मिल सके. आपकी जो प्लेलिस्ट है, बेस्ट फ्रेंड है आपकी. मुझे उसमें से 3 गाने सुनने हैं आपसे. आजकल जो चल रही है उसमें नंबर 1 पे तो है बेकरार दिल. ठीक है सुनाए. अपनी फिल्म की गंदी प्रमोशन नहीं मैं कर रही लेकिन वो बहुत अच्छा गाना है. मुझे दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है. कौन सा? तू हीर मेरी. ओह रियली? यस आई लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा कुछ लोगों को एक बार ही सुन ले भी बड़ा, तो दैट मींस ऑल द सॉन्ग्स आर अप्रिशिएटेड. ऑफ कोर्स. एक और बड़ा अच्छा गाना आ रहा है खुदाया वे जो बिलाल सईद और मोमिना मुस्तहसन ने गाया जो अभी आई थिंक रिलीज के करीब है. वो आप बहुत एंजॉय कर. अभी आप कौन सा सुना रही है? यार ये तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया. करनी जल्दी जल्दी छोटे छोटे सुना दें आप. ये तो हो नहीं सकता यार. इमरान ये क्या कर रहे हैं? इमरान इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा और सुन रहे हैं सब कुछ. और शायद वो एक गेस्ट अपीयरेंस भी दें इस इंटरव्यू में. रात भर चैन से सोते जो तुझे ना मिले होते, बेकरार दिल बेजार जान ना होती, दर्द दिल से जुदा होता जो ना तू आशना होता, काश तुझसे मेरी जान पहचान ना होती, अब तो ये हाल है तुझसे सवाल है, डूब जाए या तर
जाएं या तेरे इश्क में मर जाएं, तेरा दीवाना दर बदर तेरी गलियों में रात भर, तू अज दीदार दे या मैनू मार दे। मैं तेरी यादा विच जागा मैनू आवे ना नींद ते इंतजार विच तेरे, मैं पीवा पै के भी ये होया मैं। मैंने आपको ये सब लोग सुन ले, मैं इससे आज मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, मैं मेहमान बन के इनके पास ये गेस्ट पेरेंट्स आई है और मैंने एक बाकायदा इंटरव्यू के लिए आना है, क्योंकि मैं शूट से थोड़ा लेट हो गया हूं, तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। थोड़ा सा तो आ जाए, थोड़ा सा तो आ जाए प्लीज आप, प्लीज यार ये नहीं हो सकता। दीदार देते इमरान अशरफ का मधुर दीदार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अशरफ है, ये राबिया है और ये अमर है। मैं यहाँ आके मैं यहाँ आके बैठा हूँ बड़ी देर से और मैं बिल्कुल इंटरव्यू वाली हालत में नहीं दिखा, लेकिन दमस्ते वाली हालत में है। मेरे बेटे को देखिएगा, तो ये इस हालत में देखिए आपने मुझे बता दिया, आप इतने अच्छे लग रहे हैं, सीरियसली थैंक यू वेरी मच। ये अमर, मैं आपका पूरा इंटरव्यू सुन रहा था और बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू है, बड़े खूबसूरत सवाल आते हैं। एब्सोल्युटली। और मेरा ख्याल है जैसे कुछ लोग गिटार बजाने के माहिर हो जाते हैं, अब आपने इतने इंटरव्यूज कर लिए कि आप दिलों के तार बजाने के माहिर। बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत, कमिंग फ्रॉम यू तो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैं कौन हूं, मैं तो नहीं नहीं, आप आपकी बहुत इज्जत है, बहुत फैन है हम आपके, आप जानते नहीं हैं। सैनिक में ऐसा तो नहीं लग रहा मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, आप जो जितना इंटरव्यू सुन रहे थे अभी अमर का, अमर को मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, और एक बात ये है कि डांटती मुझे यही है, मैंने कभी नहीं डांटा, जिसने मेरा सहारा लिया ना कि हम फोन पे कभी इमरान भी मुझे अमर मैं तो लेकिन देखो मैं मानता हूँ और मैं नहीं मानती, मैं एक्चुअली डांटती हूँ। और इमरान जो है वो क्या कर रहा होता है, इमरान इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, इमरान हैज प्रॉब्लम एवरी अदर आवर, तो मैं वो सॉर्ट आउट करने के चक्कर में ना फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं ना, मैं आपके साथ हूँ फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या 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 रही है। देखिए मैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ ना, वो बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है। झूले से उतर के आया मुझे, हम भी आए साथ में, आ रहा हूँ बेटा सिर्फ अभी दो मिनट जरा, तो वो मेरे बॉल देखिए कैसे, चलो खैर है कोई बात, बिल्कुल सही है, कूल है, ठीक है। अच्छा लेकिन आपने एक काम करना है, ठीक है, इस इंटरव्यू में मेरा नाम नहीं लिखना क्योंकि अमर का नाम होगा, मैं एक सरप्राइज हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, पीछे से इमरान अशरफ निकला, ठीक है, ऐसे ही होगा ये सरप्राइज। अब सवाल, अब तो जो एक्चुअली मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सीन, उससे पहले दरमियान और बीच में मुझे किसी भी किस्म का ब्रिज बनाना पड़े, मुझे मुंह बनाना पड़े, मुझे छोटी प्रॉब्लम है, मतलब ये है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है या मैं 10-15 लोगों से मशवरा भी कर लेता हूँ कि रास्ता इस तरफ से ठीक है या इस तरफ से ठीक है, तो जब ये देखिए मुझे ये बड़ी अच्छी एक्टर है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी, मुश्किल एक्ट्रेस है यार, इसके साथ सीन करते हुए आपको बाकायदा होश आवाज में रहना पड़ता है, तो कुछ उसका तजुर्बा है कुछ मेरा तजुर्बा है, टीवी भी हमने साथ शुरू किया, हमने बहुत दोस्ती भी है और दोस्ती का लेवल भी किसी और तरह का है, वो मुझे लड़की समझती है, वो मैं ये मुझे लड़का समझता है, वो एक हमारा मेरी राइटर भी है ना, काबिल इज्जत भी है मेरे लिए, बिल्कुल कलम है ना उसके पास, बिल्कुल तो काबिल इज्जत भी है, तो कभी कभी ये होता है कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि यार लड़की है जिस बात की बहुत है शो नहीं करती, यूं करके बैठ जाएगी, जब ये यूं करके बैठ जाओ समझ जाओ जिस बात के आसमान पे हम तो स्ट्रीट बॉयज हैं, हमें तो पता है, हम तो गलियों से आए हुए हैं, हमें तो पता है इस वक्त क्या चल रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार रास्ता तो इस तरफ है, तो इधर रास्ते में थोड़ा सा खड्डा निकाल दो, ये खुद इस तरफ से आ जाए और ये चेक करेगा, ये बाद में फिर कहते हैं हाँ यार ये ठीक हो गया, मैं चुप करके बैठा, लेकिन हमेशा नहीं, कभी 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 ये है।
लेकिन प्रॉपर इंटरव्यू के लिए तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह। आप पहले तो पूछिए, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के इंटरव्यू में देखता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं जिनको साल साल लग जाते थे अपनी पहचान बनाने के लिए, आप लोग उनके साथ इंटरव्यूज करते हैं, उनको जानने का मौका मिलता है। और मैं एक छोटी सी बात कह के अमर के इंटरव्यू से थोड़ा सा साइड भी हो जाऊंगा, वो ये कहूंगा कि मैं अपनी बात करूंगा सर। मैंने अक्सर लोग जब इंटरव्यू में जाता तो मुझसे मेरी मेहनत का सवाल पूछते हैं कि आपने बड़ी स्ट्रगल की, आपने ये किया, आपने वो किया। वो मैंने कोई एहसान किसी पर नहीं किया, वो उसके उस मेहनत और उस स्ट्रगल के बदले अल्लाह ने मुझे जितना दिया मेरी मेहनत उसके सामने बिल्कुल छोटी सी है। पर मैंने काम बड़ी नीयत से किया हमेशा, मैंने काम को बहुत ऊपर समझ के सराखों पे रख के, और जब आप काम को सराखों पे रखते हैं तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को सराखों पे रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो ये वो वक्त आ गया है कि जैसे आपके किसी कज़न को, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी प्यारे को आपकी ज़रूरत होती है, मुझे दम स्तंभ में आपकी ज़रूरत है। मेरी खातिर आप एक दफ़ा आकर तो देखें। एंड आपने तो मेरी आंखों में आंसू डाल दिए। मत रो पगली, टिकट खरीद दे प्लीज, आंसू मत दे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप समझेगा इमरान अशरफ को आपने कभी भी पसंद किया है या आपको ऐसा लगता है कि लड़का मेहनत करता है, तो ये एक मेरा बड़ा मैच है, हमारा बड़ा मैच है। ये मुझे आपकी जरूरत है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि वैसे किसी के लिए आप कर देते ना, खड़े हो जाते हैं कहीं जाके, तो दो ढाई घंटे मेरे लिए आप आ जाए, आप ज़ाया नहीं होगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मेहनत की है। तो अब मुझे आप इजाजत दें, बहुत अच्छे कपड़े पहने में दोनों ने, आप बहुत अच्छे लग रही हैं दोनों। ओके, अल्लाह हाफिज़। फेमिनिज्म, डू यू थिंक, आपको लगता है कि कहीं कहीं मिसरिप्रेजेंटेड होता है, मिसअंडरस्टूड है सोशल मीडिया पे? है सोशल मीडिया इन, क्योंकि मैं बताती हूँ किस तरीके से। मैंने ये बात पहले भी एक जगह पे, एक फोरम में, एक बल्कि ज़ेबिस में एक सेमिनार हो रहा था, उसमें कही थी कि ये जो हम फेमिनिज्म से वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि औरत का जो है एम्पावर करना औरत को ज़रूरत है। कौन करेगा? कोई एनजीओ करेगी, कोई आदमी करेगा, या कोई दूसरी औरत करेगी, या कोई लीगल एजेंसी करेगी? जिसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि 9 महीने के बाद वो एक बच्चा पैदा करे, ये पावर और ये लाइसेंस तो उसे अल्लाह मियां ने दिया है, उसे कोई एम्पावर कर नहीं सकता। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपके अंदर पावर है। सो एट टाइम्स व्हेन यू फील वीक, जब हालात आपको मजबूर करें, जब आप पे तंगियां ज्यादा हों, तो हिम्मत पकड़ें और सर उठा के उसे जिए, उसे अंदाजा दिला सकते हैं कि पावर ऑलरेडी अंदर है, एम्पावर कोई नहीं करता। फेमिनिज्म, आई थिंक अनलेस एंड अंटिल जिसके पास रिप्रोडक्शन का अमल है, उसकी जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और औरतों पे भी ये बात लागू है कि बोथ मेन एंड वुमेन वी हैव टू को एग्जिस्ट। फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप आदमियों को नीचे लगाना शुरू कर दें या कुछ गलत स्लोगन्स पकड़ लें उनके लिए, अपनी मूवमेंट को और बड़ा करें। हमारी बहुत बेहतरीन मूवमेंट है, वी आर आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स, बट वी आर नॉट सेइंग कि इक्वल राइट्स के चक्कर में जो दूसरा जेंडर है उसको जूतियां मार दो। तो हमें कोएग्जिस्ट करना है, हम औरत और मर्द होने के साथ साथ उससे भी बड़ी एक चीज है इंसान है, इंसानों को एक साथ जुड़ के रहना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम दो टके वाली बातों पे ही फंसे रहेंगे, वो नहीं होनी चाहिए। मेरी फिल्म में एक जुमला है जो फायजा गिलानी एक किरदार कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैंने बचपन से हमेशा सुना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब एक औरत ने फिल्म लिखी है तो मैंने उसको ट्वीट किया और मैंने लिखा हिम्मत औरता मदद खुदा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी एक जेंडर के नहीं है, सबके हैं। तो जब अल्लाह ताला सबके हैं तो इंसानों को भी आपस में एक दूसरे का होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज डोंट डिवाइड योरसेल्फ ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, डोंट डिवाइड योरसेल्फ ऑन जेंडर। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरे जेंडर को भी उतनी इज्जत देनी होगी, और दूसरे जेंडर वाले भी कम अहमकाना बातें करें। जो सिर्फ कितने व्यूज यार मिल जाएंगे, 2 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे इस तरह की बातें करके, 10 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा?
इज्जत आपकी कम ही होती है घटिया बात करने से, एक दूसरे को डेरोगेट करने से आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे. दिस अप्लाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल. सो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स वी कांट बी एक्सट्रीमिस्ट, वी हैव टू बी सेंटरिस्ट, वी हैव टू बी बैलेंस्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. और मुझे एक बात बताएं, औरतों की एम्बिशन, औरतों का काम, औरतों की फैमिली लाइफ हमेशा एक डिस्कशन रहती है. आपको लगता है क्योंकि माशाल्लाह से आप इतना कुछ कर रही हैं, इतनी चीज़ें अचीव कर रही हैं और आगे भी बहुत प्लान्स हैं, क्या एक एम्बिशन, एक एम्बिशियस औरत फैमिली लाइफ कर सकती है, मेंटेन कर सकती है, हमारा एनवायरमेंट, हमारी सोसाइटी ऐसी है विदाउट गिविंग अप ऑन हर एम्बिशन? एब्सोल्युटली कर सकती है. एब्सोल्युटली यू हैव, ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपनी इंडस्ट्री में रहते हैं. यू हैव आयजा खान, शी हैज किड्स, शी इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस ऑफ टुडेज टाइम. सो हमारी इंडस्ट्री, हमारी सोसाइटी आपको लगता है इतना फैसिलिटेट करती है औरतों को कि हम ये कर सकें? माहिरा खान एक और नाम ले लेती हूँ. आई थिंक इजिली इन द नंबर वन रेस, इजिली द बिगेस्ट स्टार, शी इज आल्सो अ मदर. अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा नंबर्स पे, आम औरत पे? अगर नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो अब करना शुरू कर दें. जब और इतना चेंज डिमांड करते हैं, जब तब्दीली की इतनी बात करते हैं, जहाँ पे तब्दीली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है, अगर वहाँ पे नहीं कर रहे तो फिर फिटे मुँह हमारे पे. आई एम सॉरी बट उधर ही तो ज़रूरत है अगैन. और वो भी कैसे होगा, ये डिमांड नहीं करना आपको. आपको ये नहीं कहना कि मैं अपने हस्बैंड से ये डिमांड करूँगी कि मुझे काम करने दे, या मैं उसको प्रेशराइज करूँगी, या मैं उसे मैनिपुलेट करूँगी, या मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी कि मुझे काम भी करना है और फैमिली भी संभालनी है. ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ये कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, ये कनेक्ट एक दूसरे के साथ ज़रूरी है. ये बहुत बेसिक बुनियादी ह्यूमन एलिमेंट्स हैं. अगर इस पे हम हारमोनी में आ गए तो आई थिंक एवरी थिंग इज ईजी. वी विल कम टू नमस्तम. एक दो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ एज राइटर. कितना प्रेशर है कि आपने फिल्म मेकिंग भी पढ़ी हुई है तो अब आपकी फिल्म को तो कामयाब होना ही चाहिए. लोगों से भी ज़्यादा मुझे अपने आप से उम्मीदें हैं और मेरा अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा है. और मुझे लगता है इसलिए नहीं कि फिल्म मेकिंग भी पढ़ी है तो फिल्म सक्सेसफुल होनी चाहिए. फिल्म पर बॉक्स ऑफिस लगता है, पैसा लगता है, एक एडिड प्रेशर होता है. मैंने आपके शो के शुरू में किया कि पहले हम आपके घरों में आते हैं छोटी स्क्रीनों पर और आप दरवाजे अपने खोलते हैं, आज हम सिनेमा घर के दरवाजे खोल के आपको बुला रहे हैं, तो आई होप आप हमारे लिए जरूर आएंगे. प्रेशर बहुत ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट. और लड़की ने बहुत मेहनत की. आप फिल्मों में देखते हैं ना कि एक लड़की पैशनेट, जिसके हाथ में आप उसे स्क्रिप्ट समझ लें या सीवी समझ लें जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, और फिर जाके किसी को सुनाना और फिर उनकी आंखों में ये देखना कि स्क्रिप्ट तो पसंद आ गया है, तो ऐसा करो ना, ये स्क्रिप्ट हमें बेच दो. और एक लड़की जिसने अपने ख्वाब, अपने एक फिल्म लिखी हुई है और ये इतनी आसानी से इसके लिए नहीं हुआ, बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद ये यहाँ ये पहुंची है. तो अमर खान, जल्दी इंटरव्यू खत्म हुए, हमारे 590 इंटरव्यू. I'm sorry to have interrupted you. आपने आपका ऐसा इंटरव्यू कभी मेरा नहीं ख्याल आज से पहले. बिल्कुल भी नहीं. Absolutely. Thank you यार. आपने जान लगा दिया. ऐसी इंटरप्शन वाला मैं पहले नहीं कर रहा. ये बिग बॉस की आवाज का इंटरव्यू जो है. आपसे माफी चाहता हूँ. किस लिए? यार इसको थीम बनाते हैं. आपके इंटरव्यू में मैं भी आऊंगी. और सीन्स किए हैं हमने कुछ, मैंने और अमर ने, क्योंकि देखिए जब हम अपने काम से बड़ा प्यार करते हैं तो हमें बिल्कुल, मुझे तो ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे अपना सीन देख के अच्छा लगता है, लगता जब अच्छा किया होता है तो पता लगता है कि अच्छा. एब्सोल्युटली. जब तो कुछ सीन ऐसे हैं जब हम फिल्म प्रीव्यू कर रहे थे तो हमने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने और अमर ने एक दूसरे की तरफ ऐसे धाम दिया कि अमर ओए ओए यो ऑन द फ्लोर. अब देखिए ना, इसीलिए हम आप दोनों को साथ बिठा के ही बात करना चाहिए. नहीं, वो मजेदार हो गया. बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार. हमें एक प्रॉब्लम रहती है मुझे पाकिस्तानी स्क्रिप्ट्स फिल्म्स की जो होती है, हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर ना क्लाइमेक्स मिक्स कर देते हैं, मूवी लेके जा रहे हैं लेकिन वो वहाँ जो यू नो हर मूवी का होता है कि आप उसको आर्क ऊपर लेके जाते हैं जर्नी वहाँ रैपअप होता है, अक्सर वो नहीं होता. अक्सर जो कहानी है वो डिसजॉइंटेड होती है. Somehow or the other, कोई ना कोई एक चीज मिसिंग रहती है. हाँ. तो जैसा आपने कहा कि हम डायलॉग राइटर्स हैं, डायलॉग लिखते हैं, हम स्क्रीन प्ले नहीं लिखते. नहीं लिखते, बिल्कुल. तो आपके जहन में ये कंसर्न था जब आप लिख रही थी
कुछ आपने रिसर्च की या आपने अच्छा कैन आई टेल यू समथिंग फिर उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया? अच्छा एक तो ये बात कि जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ रही थी तो ऑब्वियसली उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि हमें कोर्स ही इन चीज़ों के पढ़ाए जाते थे, आर्क्स एंड कैरेक्टर स्केचेस एंड द ग्राफ एंड इवन द टाइमिंग, वन पेज काउंट मीन्स वन सीन और वो एक मिनट में ट्रांसलेट होगा, सीनों को कितना छोटा रखना है, लंबी लंबी नहीं छोड़नी, लेकिन यू नो हाउ यू स्टार्ट, यू ग्रिप द फर्स्ट 15 मिनट्स व्हिच इज योर ओपनिंग, इट डिक्लेयर्स द थीम ऑफ द फिल्म, फिर एक इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है, फिर आपकी डेवलपमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती हैं, फिर वो जो वही जो एक थ्री एक्ट स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल वो चीज़ें तो आई थिंक दे आर गिवन। वो वही है ना कि क्योंकि ज़्यादातर टीवी ड्रामा के राइटर्स फिल्म लिखते हैं तो फ्लॉज आपको जो 26 एपिसोड में वो चीज़ें लिख रहे होते हैं फिर जब वो 2.5 घंटे में करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। दे वर ऑलवेज एट द बैक, दे ऑलवेज आर विद मी। अच्छी बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज़्यादा ये थी कि जब मैंने ये फिल्म लिखी थी तब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ये नहीं कहा कि फलां आइटम नंबर डाल दो, मुझे किसी प्रोड्यूसर ने ये नहीं कहा कि यार ये यूं कर दे, ये चार कैरेक्टर और डाल दें जो बैठ के ना आपस में एक दूसरे को झुकते मार रहे हो, जोक्स क्रैक कर रहे हो, मेरे पे वो प्रेशर नहीं था, विच इज़ अ ब्लेसिंग। मैंने वो कहानी बताई है जो मैं बताना चाहती हूँ, बाऊ और आलिया की जर्नी बताई है कि फ्रॉम नोबडी, अंदरून इलाके के नोबडीज, एक हार्टलैंड ऑफ अंदरून लाहौर से जब वो स्टार्ट हुए और जहाँ वो पहुँच जाते हैं और जहाँ डेस्टिनी उनको पहुँचा देती है, इट्स जर्नी ऑफ टू इंडिविजुअल्स, और उसमें म्यूजिक भी है, उसमें लिरिक्स भी हैं, उसमें जुमले भी हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं, सोहेल साहब इज प्लेइंग अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, सिर्फ कॉमेडी वाला नहीं, एक इमोशनल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, मोमिन साकिब का है, सलीम मिराज इज प्लेइंग अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म, अदनान शाह टीपू इज प्लेइंग अ कैरेक्टर, तो बहुत मजे के आपको किरदार एक एंसेंबल कास्ट के साथ देखने को मिले। जितना मैंने ट्रेलर में देखा है, जितना मुझे अंदाजा हो रहा है, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, लेकिन कॉमेडी जो है वो एक खास तरह की लग रही है। आपको लगता है कि हमारी ऑडियंसेस रेडी हैं कि ऐसी फिल्म जिसमें डबल मीनिंग वाली कॉमेडी और स्लैपस्टिक है, बहुत ही छिछोरी किस्म की कॉमेडी नहीं होगी और रोमांस होगा दो लोग के दरमियान कुछ बहुत ज़्यादा, यू नो, जिस तरह की लाइन्स अभी तक स्टोरी की हम फॉलो कर, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है हमारी ऑडियंस, आपको लगता है? अच्छा, अब मुझे सवाल समझ में, आपको लगता है कि वो बात कुछ ऐसी जो है वो लोग उसकी तरफ ज्यादा ग्रेविटेट करते हैं छिछोरी और स्लैपस्टिक किस्म की? I'll tell you something again. Double meaning hoti hai thoda. I'll tell you something again. A woman has written a film. Ye bhi bahut bada. Agar kisi jagah aap society se leke koi joke crack kar, and I can dare you on that, when you're watching the film, you'll see those things. Agar kisi jagah koi joke aisa crack hua bhi hai, the very next moment it's addressed ki ye joke is tarah se crack hota hai, lekin hona ye chahiye bhai. समझ रहे हैं? वो चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि छिछोरी और डबल मीनिंग कॉमेडी ही कॉमेडी होती है, सेक्सिस्ट जोक्स ही जोक्स होते हैं। इसमें जो बाऊ और आलिया है वो भाटी लोहारी के दो नौजवान हैं, तो वो जो वो बाऊ का वो, आप मैं सिर्फ उतना बताऊंगी जो ट्रेलर में नजर आ रहा है कि वो कहता है कि बाऊ मैं तू इतनी भी कोई मिस वर्ल्ड नहीं, बाऊ के इश्क में चार चार डिस्प्लिनें काकिस होती हैं मल्ले की लड़कियां, तो वो जो वर्नैक्युलर स्लैंग्स हैं ये सिर्फ आपको अंदरून लाहौर में मिलेंगे, या वो कह रही है कि शादी करूंगी तो शाहरुख फवाद टाइप रियल लाइफ हीरो से, तेरे जैसे वेले वाले पूंछ से नहीं, तो ये वो है जो बहुत आम अंदरून लाहौर की आवाम बात करती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो दम मस्तम की स्पेशली है, लोग कहते हैं यूएसबी क्या है दम मस्तम की, जो किसी और फिल्म में नहीं है, ये पंजाब सिर्फ पंजाब की फिल्म नहीं है, ये बनाई भी उन लोगों ने है जिनको पंजाबी आती है, आपको वो वाली पंजाबी नहीं सुनने को मिलेगी, अम्मी जी मैंने आपको, क्योंकि वो सियालकोट से रावलपिंडी से है, मैं अंदरून लाहौर से हूँ, और जितने किरदार है खास तौर पर डायरेक्टर ने ये माइंड में रखा कि किसी का भी फेक एक्सेंट नहीं लगे, इट शुड कम स्ट्रेट, वो ये ना लगे कि भैया भाजी लोहारी तक मेरा रिक्शा पहुंचा दो, क्योंकि जो लाहौर के लोग होते हैं ना, एक एक्सेंट होता है, एक डिक्शन होती है, तो वो थोड़ी सी भी उसमें जाली पुनाए तो वो, तो जहां तक कनेक्शन कॉमेडी पंचेस की बात है वो बिल्कुल है, हाँ लेकिन सेक्सिस्ट जोक्स नहीं है,
ये आई थिंक आई कैन गारंटी यू दैट इंशाल्लाह। अरे यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत जैसे कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आई थिंक कि ये बड़ी जबरदस्त बात है हमारी फिल्म की जो सबसे ऊपर बात है मुझे ऐसा लगता है कि आप इधर आके बात करें। अच्छा मैं इधर आएगा मैं खड़ा हो गया ये मैंने पंप कर दिया ये देखो नहीं नहीं डेफिनेटली आई एम गुड मैं बताऊं ऐसा इंटरव्यू हुआ नहीं है पहले एक्चुअली आपको पता है मैं इधर इसमें बैठ इसलिए नहीं रहा एक तो मैं तैयार नहीं हुआ दूसरी बात ये मेरा इंटरव्यू जो है दो दिन बाद है इनके साथ। पंजाबी में कहावत है शेरा के मुंह तोते होते हैं आज शेर है यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्टर जो एक्टर है जी उसका पता ही तब लगता है जब वो नहीं होता तो वो लग जाए। अब इसको आप पिस्तौल वाले ही कर लेगी और नहीं पकड़े जाएंगे आप इस पूरे आप जानते थे पहले से अमर को लेकिन जब ये मूवी की है तो एक क्या कोई चीज़ आपने डिस्कवर की अमर के बारे में या यू स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर इवन मोर ये पूरा एक्सपीरियंस जो आपका तमस्तम का हुआ वो ये था कि एंड अमर आपके लिए भी सेम क्वेश्चन फॉर इमरान वो ये था कि मुझे लगता था मैं ही पागल हूँ सिर्फ तो फिर मुझे लगा कि नहीं मुकाबला साथ है अरे ये किस सेंस में भाग लेना चाहिए काम के चक्कर में काम अच्छा पैशनेट लॉयल्टी ओके व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड लॉयल्टी। देखिए पैशन होता है कि मैं एक चीज या एक मकाम पे पहुंचना चाहता हूं ये मेरा पैशन है मेरे पहुंचना है और लॉयल्टी का मतलब ये है कि मेरे पास उसकी सब रिक्वायरमेंट्स मेहनत करके सीख के हो कि मैं कैरेक्टर करना चाहता हूँ उसके लिए मैं राइट होता हूँ लेफ्ट होता हूँ या किसी भी तरीके से वो कैरेक्टर ले लेता हूँ। हर किसी को एक तरीके से तो नहीं मिलता ना बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी मिल जाता है चलो यार ये वाला इसको दे देते हैं ओके ट्रू हाँ कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं बिल्कुल कुछ लोगों के पास कुछ पर्ची नहीं होती है नहीं वो मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा देखिए इसको कहते हैं गेस्ट होस्ट से वो बात कराए भाई हम दोनों के पास ऐसी पर्ची आ सकती है सबको बताने की कोई जरूरत ही नहीं करने की तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना उस फिर जब वो आपको काम पैशन तो है कि मिल गया या बन गए आप तो वो जो सीन है उसको जिंदगी का पहला और आखिरी सीन समझना उसको ये समझना कि यार जिस घर में ऐसे बहुत से घर है मैं एक बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा इसको गलत मत समझिएगा पाकिस्तान में ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पे गैर लोग नहीं जा सकते यार वो मुझे 8 बजे अपने घर आने देते इमरान अशरफ उनके घर जाता है तो इमरान अशरफ ने उनका सोचना है कभी इमरान को भी इनफैक्ट नहीं बताई फिल्मों में थोड़ा सा जरा आपको ज्यादा रोमांस करना पड़ता है आप हमारे गाने भी देख रहे होंगे थोड़ा सा ज्यादा करेजस होना पड़ता है जी थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड भी होना पड़ता है बेधड़क भी होना पड़ता है टीवी पे शायद उतनी गुंजाइश नहीं मिलती हमें फॉर एन एक्ट्रेस टू डू रोमांटिक सीन्स टू डू रोमांटिक सॉन्ग्स बट टू फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद द हीरो ये बहुत बड़ी बात होती है तो एक जो सबसे बड़ी टेक अवे मेरे नज़र में इमरान को लेके था जितना मसखरा है ना उससे भी ज़्यादा हया है That's a huge thing between two actors. See. And I'm sure the actors especially who will watch this, they'll understand what I'm saying. Agar wo nahi comfort hota, to jitna ease ke saath wo sab screen pe nazar aa raha hai, wo bhi nahi hota. Uske liye wo trust hona, wo belief hona, wo comfort hona bahut zaruri hai. Dusri cheez mujhe aisa lagta hai, maine aapko kaha tha ki film school ne mujhe himmat di.
इमरान अशरफ ने मुझे जुर्रत दी, क्योंकि जब इतना कोई दलेर बेखौफ हीरो हो ना, जिसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और उसे इश्क और जुनून की हद तक एक चीज़ चाहिए हो अपनी परफॉर्मेंस को लेके, जब आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं, आई वॉज ऑन माई टोज. सो जब अगर आपको मेरी फिल्म में परफॉर्मेंस पसंद आ गई तो मुझे लगता है वो मेरा कमाल नहीं है, ही ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी. और कभी कभी एक और चीज बताओ, कभी कभी जब लोग आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, थोड़ा सा पुल डाउन करते हैं, क्योंकि करते हैं ये, हम बातें खुल के नहीं शायद कुछ कर सकते, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोग करते हैं, इंडस्ट्री के कुछ लोग करते हैं, आवाम नहीं करती. सवाल कुछ इस तरह के पूछते हैं जो आप थोड़ा सा हो जाते हैं, अपने जोन में चले जाते हैं. तो जब कोई आपके इर्द गिर्द इस तरह की फोर्सेस हो ना जो आपको कहे तू पागल दी बच्ची है, उठ के जी, वो फोर्स बहुत जरूरी है. आई थिंक आई हैव डिस्कवर्ड दैट इन इमरान थ्रू दिस फिल्म. थैंक यू सो मच आप दोनों. अब आप मुझे मॉल्डीव्स के ट्रिप के पैसे दे. ये आप दोनों बाद में सेटल करेंगे. Thank you so much. बहुत दुआएं आप लोगों के लिए इस फिल्म की कामयाबी के लिए, दिल से हम सबकी, पूरी टीम फ्यूचर की तरफ से. और हमने ट्रेलर देखा है, हमें बहुत उम्मीदें हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं खुद टिकट खरीद के सिनेमा में जाके देखने के लिए. और बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह करे कि कामयाब हो और इससे और नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों के हमें देखने को मिले. एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच राबिया, इट वाज अ प्लेजर. एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इन माय एंटायर लाइफ आई हैव एंजॉयड एन इंटरव्यू दिस मच. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. शुक्रिया बहुत बहुत आपका, दैट्स सच एन ऑनर टू हियर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.